शुरू कर रही हूँ और ये गला मैंने लगा लिया है, अभी इसको कमीज के साथ अटैच करती हूँ। तो आज मैं करने लगी हूँ मम्मी के सूट की कटिंग। ये सूट है, ये कमीज है और ये शलवार है। अभी मैं शलवार काटने लगी हूँ और जो नीचे से कपड़ा बचा था वो मैंने यहाँ लगा दिया क्योंकि मम्मी को खुली शलवार चाहिए होती है। फ्रंट साइड मैंने अलग काट लिया क्योंकि इसका दरमियान में गला था तो इसको मैंने अलग काटा है और बैक साइड को ऐसे ही काटे हैं क्योंकि इसमें गला वाला कुछ भी नहीं है तो ये कपड़ा जो है ये हमारा ज़ाया नहीं होगा। और ये है बाजू, इनको भी अलग कर लेती हूँ मैं। कटिंग कर लेती हूँ मैं, काट के लगाया वो काम। कमीज भी हमारी कटिंग हो गई, अब मैं इसके बाजू काट लेती हूँ। बाजू भी हमारे कटिंग हो गए हैं, पूरा सूट मुकम्मल कटिंग हो गया है, सूट मुकम्मल कटिंग हो गया है। अभी हो रहा है सर नमाज का टाइम, नमाज पढ़ के फिर मैं सूट पूरा स्टिचिंग करूँगी, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मैं स्टिचिंग शुरू कर रही हूँ और ये गला मैंने लगा लिया है, अभी इसको कमीज के साथ अटैच करती हूँ। नोटों को सुखिया को देखने पे कहा, ये लोग आता
ध्यान से सिलाई लगा लूंगी ताकि गला इधर उधर ना हो। गला मैंने लगा लिया है, इसके साथ मैंने लगाए हैं छोटे छोटे कट्स ताकि गला दूसरी साइड पे मुड़े तो सही मुड़े। ये देखें, और ये इसको ऐसे करके हम प्रेस कर लेंगे अच्छे से। अभी मैं बैग गला काट लेती हूँ। छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। बाजू अटैच कर लेते हैं। अभी मैं कमीज के बाहर सिलाई लगाने लगी हूँ। अभी हम कमीज का दामन बना रहे हैं। सूट मैंने स्टिच कर लिया है, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। कैंची उठा चल वहां से। आप लोगों ने कमेंट में बताना है आपको सूट कैसा लगा। और यहाँ पे करते हैं व्लॉग का एंड, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुँचे।